हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय किचन। मैं हूं नेमत और आज की रेसिपी है मिक्स दाल, जो कि बहुत आसानी से बना है। मैंने इसके लिए 3 टेबल स्पून अरहर की दाल, 1 टेबल स्पून मसूर की दाल, 1 टेबल स्पून मूंग की दाल और 1/2 टेबल स्पून चने की दाल लिया है। साथ ही लहसुन लिया है और दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब यहीं पर मैंने एक प्याज को मोटे टुकड़े में काट कर लिया है और पाउडर मसाले में हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक लिया है, जो कि सभी 1/4 टीस्पून है। एक टमाटर को चॉप करके इसमें डाल लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1/2 टीस्पून। आप अपनी पसंद से भी कुछ मसाले मिला सकते हैं। एक लाल मिर्च है और साथ में मैंने यहाँ पर इसके गलने के लिए इससे 4 गुना पानी डाला है। अब इन चीज़ों को प्रेशर कुक कर लेना है। दाल ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए और ना ही सूखी रहनी चाहिए, ये बिल्कुल मक्खन की तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और टूटा भी नहीं है। तो इस तरह से दाल गल जाए तो फिर बघार का इंतज़ाम करें। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ज़ीरा और हींग का इस्तेमाल किया है। साथ ही एक हरी मिर्च टुकड़े में काट कर लिया है और एक प्याज को मोटे टुकड़े में काट लिया है। अब जैसे ही ये लाल हो जाता है दाल के ऊपर डाल दें। लीजिए, आपकी मज़ेदार सी दाल तैयार है। ये दाल गर्मा गर्म रोटियों के साथ और उबले हुए चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे बनाएं और पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो उम्मीद है आज के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।